15,000 के अंदर एक ऐसा गेमिंग फोन जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा एक खतरनाक प्रोसेसर, एक खतरनाक बैटरी बैकअप, एक मजेदार सा एकदम डिस्प्ले, उसके साथ आने वाला एक अच्छा खासा चार्जर एंड ऑल्सो 15,000 के अंदर 60 FPS की गेमिंग। वल हबीबी, जो मैंने सुना क्या तुमने भी वही सुना सिंचैन? हाँ सही कह रहे हो, 60 FPS कैसे मिल सकता है, वो भी 15,000 के अंदर। ऐसा तो कोई यूट्यूबर ही नहीं है जिसने 15,000 के अंदर तुम्हें गेमिंग फोन बता दिया हो जिसके अंदर 60 FPS मिल जाए, वो भी पबजी BGMI के लिए। अरे यार तुम लोगों ने कर दी ना बेवकूफों वाली बात। तुम्हें क्या लगता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने भाइयों से कमेंट करवाया था कि भाई अगर तुम्हें 15,000 का कोई गेमिंग फोन चाहिए तो भाई 15-15 कमेंट करो, तो मैंने ऐसे ही कमेंट करवा दिया था। बाय द वे शॉर्ट आउट टू ऑल माय प्लीज, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। बट मैं जो फोन तुम्हें बताऊंगा ना उसके अंदर एक्चुअल में 60 FPS होगा, कैसे वो तुम्हें एंड में ही पता चलेगा। और हाँ देखो, ये फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है 15,000 के अंदर, बट पहले बता दे रहा हूँ इस फोन में एक नेगेटिव पॉइंट भी है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है तो एक दो नेगेटिव पॉइंट भी है जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। तो अगर तुम एक 15,000 के अंदर एक गेमिंग एंड नॉर्मल यूज के लिए गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, फिर तुम्हारा ज्यादा कुछ काम भी नहीं, फिर भी मतलब ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो जिसमें गेमिंग भी हो जाए सारी चीजें हो जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम बोलते ना पैसा वसूल वाली वीडियो होने वाली है। और इसको अगर तुम देख लेते हो और मेरे पता है वो फोन को अगर तुम ले लेते हो तो तुम्हारा 15,000 बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। तुम्हें है ना बाकी सब यूट्यूबर्स भाई 40 FPS वाली गेमिंग फोन बताते हैं 15,000 के अंदर, और तुम्हें पता है यार 40 FPS में क्या ही गेमिंग होगी। बट हाँ 60 FPS बहुत ही इनफ FPS होता है, क्योंकि आज की डेट में जिनके पास 90 FPS भी है वो भी 60 FPS करके ही खेलते हैं, क्योंकि 60 FPS काफी स्टेबल चलता है गेम में। तो भाई अगर तुम एक अच्छा फोन ढूंढ रहे 15,000 के अंदर तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम बोलते हैं ना बाकी सबसे बेस्ट होने वाली है। ऐसी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली अंडर 15,000 के अंदर। खैर मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स क्या हाल चाल यार, आई होप बढ़िया ही होंगे। और देखो यार मैं पहले ना फोन का नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और धीरे धीरे एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक देखना और सब कुछ गौर से समझना। खैर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी इस फोन के अंदर क्या क्या चीजें तुम्हें देखने को मिलता है। सिर्फ मैं जो फोन बता रहा हूँ 15,000 का भी नहीं होगा, उस थोड़ा कम ही होगा जिससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, पहली बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है फ्रिकिंग 5000 mAh का, 5000 mAh का बैटरी बैकअप, वो भी 15,000 से नीचे के फोन में। अब आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई रावल आज की डेट में तो 10,000 के फोन में भी 5,000 का बैटरी बैकअप आ गया, बट भाई वो उतने स्टेबल नहीं होते, बस दिखने के लिए होते हैं, ठीक है। ज्यादातर बहुत जल्दी ड्रेन करने लगते हैं, मेरे घर में भी है ठीक है 10,000 के है ना ऐसे फोन्स हैं, लेकिन उनमें भी 5,000 का बैटरी बैकअप है, बट उसका जो होता है ना जो चलने का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है आज की डेट में। देखा ही होगा आज की डेट में 15,000 में 10,000 में कोई अच्छा फोन नहीं आता आज की डेट में, गेमिंग फोन स्पेशली। खैर बात करें इसके अंदर कौन सा तुम्हें चार्जर देखने को मिलेगा, तो भाई 30W का चार्जर देखने को मिलेगा। अब आई नो तुम लोग इस पे बोलोगे भाई 30W का चार्जर, अरे भाई 15,000-14,000 के रेंज में तुम्हें 18W का चार्जर भी देखने को मिलता है, तो दिस इज बेस्ट। एंड तुम लोग को मैंने कितनी बार बताया कि भाई जितना चार्जिंग वॉट कम होगा ना उतना तुम्हारा बैटरी लाइफ जो है ना वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, बिकॉज जल्दी चार्ज नहीं करेगा, स्लो चार्ज करेगा तो बैटरी जल्दी खराब नहीं होगा। खैर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो है 6.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले। देखिए आई डोंट थिंक कि किसी को भी 6.6 से ज्यादा बड़ा डिस्प्ले चाहिए पड़ेगा 15,000 के अंदर, बिकॉज 6.6 इनफ है, ठीक है। एंड मुझे तो इनफ ही लगता है, ज्यादा कितना तुम्हारे हाथ खाली भैया जितने थोड़ी ना है ना। खैर बात करें इसके कैमरा की, आई नो कितने बार तुम लोग बोलते हो कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं, भाई इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाहर नहीं जाओगे क्या यार, कितने इंट्रोवर्ट भाई, अपने थोबड़े का एक सेल्फी तो लेके रखोगे ना कम से कम, तो उस पर तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना कैमरे की, बिना कैमरे का फोन कितना अजीब सा लगेगा। खैर बात करें इसके अंदर कैमरा तुम्हें कौन सा देखने को मिलेगा, तो 48 MP का इसका रेयर यानी मेन वाला कैमरा है, एंड जो सेल्फी वाला की कैमरा है वो है 16 MP का। अब बात करें इसके अंदर तुम्हें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड ये फोन कितना FPS देगा, लेकिन वो बताने से पहले मेरा तुम सभी भाइयों और बहनों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। देखो जो फोन मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, बट अगर चैनल पे यहां तक आ गए हो तो
प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग के लिए पूरा जी जान लगाकर वीडियो बनाता हूँ, तो बस कर दो। अगर तुम्हें गेमिंग एंड ऐसे गेमिंग फोन्स के रिलेटेड वीडियोस देखने में एंड गेमिंग वगैरह में भी इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है 15,000 के, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है अपने को। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली तुम लोगों को मैंने बताया था कि यार जिनका भी बजट 20,000 से 30,000 के बीच में है, उससे कम भी है, तुम लोग मेरा लेवल 2 का मेंबरशिप ले लो, मैं तुमको गाइड करूंगा। तो रिसेंटली कुछ मेरे भाई और बहनों ने रिसेंटली मेंबरशिप लिया एंड एक्चुअली आई हेल्प देम एंड काफ़ी लोगों ने नया फ़ोन भी अपना खरीदा। तो जो लोग एक महीने से परेशान हो रखे थे कि भाई मुझे कौन सा फ़ोन लूँ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया एंड अब उन लोगों ने एक फ़ोन ले लिया है। तो अगर तुम लोग के दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बजट 15,000 है 20,000 है, तो तुम लोग मेरा लेवल 2 का मेंबरशिप लो, है ना, एंड उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं तुम्हें खुद अपने से खुद ही तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि तुम्हें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे पैसे बच जाएंगे और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, बट हाँ कुछ भाइयों ने लिया है रिसेंटली, उनका मैंने हेल्प भी कर दिया, कुछ बहनों को भी हेल्प कर दिया है। तो अगर तुम्हारा भी कन्फ्यूजन है तो तुम ले सकते हो। खैर अब मैं बस वापस पॉइंट पर आता हूँ। अब बात करें कि इस फ़ोन के अंदर तुम्हें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्पेशली जो फ़ोन मतलब 15,000 से कम का है उसके अंदर कौन सा ही प्रोसेसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तुम्हें से बहुत सारे लोग गेस कर रहे होंगे कि मैं कोई मीडियाटेक प्रोसेसर बताऊंगा, बट ना ब्रो, ना 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 ना, इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G, यानी 778G का भाई तगड़ा प्रोसेसर। और पर्सनली बताऊँ तो मेरे पास भी ये 778G का प्रोसेसर है, एंड सही बताऊँ तो ये प्रोसेसर बहुत इनफ है यार। 778 वाला जो प्रोसेसर होते हैं इनफ होते हैं, 60 FPS की गेमिंग तगड़ी करा के देते हैं। एंड इसी से मुझे याद आ गया भाई इसके अंदर तुम्हें कौन सा FPS और कितना FPS सपोर्ट करेगा एग्जैक्टली। तो यार देखो, आराम से 60 FPS की गेमिंग करा देगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी हद तक कैपेबल होता है, ठीक है। एंड हल्की फुल्की तुमको फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलेंगी, हल्की फुल्की सी, वो भी क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, मतलब अभी तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, भाई इस फ़ोन का नाम क्या है, मुझे समझ जल्दी बता रावण। लेकिन देखो, मैं तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने तुम्हें सिर्फ एक फ़ोन बताया है ना। अगर तुम लोगों को 5 फोन चाहिए कि भाई तुम हमें 15,000 के अंदर टॉप 5 फोन्स पता है या टॉप 4 फोन पता है, या मतलब अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भाई हमें और फोन्स पता, एक फ़ोन से हमारा काम नहीं चलेगा, तो तुम लोग कमेंट में ना 5 ज़रूर लिखना इस वीडियो को। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भी 5 लिखना, जिससे मैं समझ जाऊँगा तुमको उस टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए एंड मेरे भाई लोग मेरी बहन लोग इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देख रहे हो, तो बस कमेंट में 5 ज़रूर लिखना, तो हो सकता है तुम्हें अगली वीडियो में शॉर्टआउट मिल जाए। अब बात रह गई इस फोन का नाम क्या है, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई नाम बता रावण, अरे बता रहा हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे देखो, इस फोन का नाम है, तुम लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे मेरे पर, बट मैं क्या करूँ, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया मुझे यही फोन मिला जो कि अच्छा है, लाइक सीरियसली 60 FPS देने वाला यही फोन मिला मुझे, जिसका नाम है Realme 9 SE। अब आई नो काफी लोग बोलेंगे पागल है क्या भाई, Realme 9 SE तो भाई 20 से 25,000 का है। आई नो 20 से 25,000 का है, उससे नीचे का नहीं है, बट प्रॉब्लम यहीं पे तो शुरू होती है ना, इसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि भाई नया नावेला लेने जाओगे तो 20 से 25,000 का पड़ेगा, बट इसका जो रिवर्स वाला है ना, वो तुमको 13,000 से 14,000 के अंदर आसपास तुम्हें पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं तुम्हें, जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, क्लिक करो वहाँ से जाकर खरीदो। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 5G भी है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, बट फोन थोड़ा सा पुराना है, बाकी जिनको डेडिकेटली सिर्फ गेमिंग करना है वो ये फ़ोन को आराम से ले सकते हैं। यही मेन प्रॉब्लम था कि भाई इसका रिबर्स्ट वाला अवेलेबल है, इसका एक्चुअल वाला 15,000 में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो भाई बाकी सब यूट्यूबर्स तुमको भाई यार 15,000 के अंदर 40 FPS वाला फ़ोन बता रहे हैं, तुम ये फोन ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब 14,000 के आसपास ये फोन पड़ेगा, तो बाकी के 1,000 से तुम क्या बोलते हैं केस वगैरह खरीद लेना फोन का, ईयरबड्स खरीद लेना, जिससे और चीजें हो पाएंगी तुम्हारी, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हारे लिए बता दिया, मुझे यही बेस्ट लगा, तो मैं बता रहा हूं डेडिकेटेड गेमिंग के लिए एंड ऑलराउंडर फोन थोड़ा सा पुराना है, बस ये चीज तुम लोग देख लेना, यही मेन प्रॉब्लम है, यही दो मेन प्रॉब्लम है कि फोन पुराना है एंड रिवर्स वाला अवेलेबल मिल रहा है। खैर अगर तुम लोग का बजट थोड़ा ज्यादा है कि नहीं मेरा बजट भाई मतलब 20,000 है, मुझे 20,000 में कोई अच्छा गेमिंग फोन बताओ, तो तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसके अंदर डिटेल में एक खतरनाक 20,000 के अंदर एक गेमिंग फोन बताया है। तो अगर बजट तुम्हारा ज्यादा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, जिस वीडियो का लिंक सामने आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो। मैं मिलूंगा तुम्हें सामने वाली वीडियो में।